हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। देखिए, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर सेकंड, ह्यूमन सिस्टम। और इस चैप्टर में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था पहले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स श्वसन तंत्र। ठीक है, देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिस्कस करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन या श्वसन होता क्या है, है ना। देखिए, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये जो एनर्जी है ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें मिलती है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हमें बाहर एनवायरनमेंट से अंदर लेके जानी पड़ती है, और फिर उस ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उससे एनर्जी फॉर्म होती है, यानी कि ऊर्जा बनती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो देखिए रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड यूज इट इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म CO2 एंड एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मीन्स शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेके जाना और फिर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में उसको प्रयुक्त करना, जिससे कि ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो आपको यह तो हो गई रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन जो होता है, ये दो तरह से होता है। एक तो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम कहते हैं एरोबिक, और जो एब्सेंस में होता है उसको हम बोलते हैं अनएरोबिक, यानी कि इसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, और इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो दो तरह का रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होता है, एक तो होता है एरोबिक, एक होता है अनएरोबिक। तो जो एरोबिक होता है यानी कि वायवीय श्वसन होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इसको हम इस तरह से एक समीकरण में यदि व्यक्त करें, एक इक्वेशन में व्यक्त करें, तो C6H12O6, ये तो आपका फार्मूला होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, ये फॉर्म होगा। हाँ, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है, और साथ में यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं, 38 अणु ATP के बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ATP है ये हमारी एनर्जी करेंसी है, मतलब श्वसन मुद्रा है। ATP का पूरा नाम क्या होता है, देखिए, ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट ठीक है, ये ATP का पूरा नाम है। तो जो वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के CO2, वाटर और ATP फॉर्म करती है, ये एनर्जी है, ऊर्जा। ठीक है, और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है, जिसका कि हम लोग अपनी विभिन्न उपापचय क्रियाओं में उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गया बेटा वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं अनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसको हम केमिकली जो इसका इक्वेशन होगा उसको इस तरह से लिखते हैं C6H12O6, ठीक है ना। ये तो वही ग्लूकोज हो गया,
और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, ओके। तो ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, किसमें? C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल है ना, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ATP के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी बहुत कम फॉर्म होती है, यानी कि एवायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत कम बनती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं या किन किन अंगों से मिलकर मनुष्य का श्वसन तंत्र बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट में, 3 भागों में हम इसको बांट लेते हैं। एक तो होता है इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि ऊपर का जो श्वसन तंत्र है वो होता है ऊपरी श्वसन तंत्र। एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा होता है इसका पार्ट रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां, रेस्पिरेटरी मसल्स को कहते हैं श्वसन मांसपेशियां। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कहेंगे निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, ठीक है ना, और अपर को कहेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। तो देखिए एक एक करके हम इनके बारे में जान लेंगे कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें नोज़ यानी कि नाक, माउथ यानी मुख, फैरिंग्स इसको बोलते हैं ग्रसनी, और लैरिंग्स को बोलते हैं कंठ, ठीक है। तो ये तो ऑर्गन होते हैं आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है आपका ट्रेकिया, इसको हम बोलते हैं श्वास नली, ट्रेकिया, ठीक है। ब्रोंकियाई, इसको बोलते हैं श्वसनी, ब्रोंकियोल्स, इनको बोलते हैं श्वसनिकाएं, लंग्स, इनको बोलते हैं हम फुफ्फुस, ठीक है। तो इस तरह से ये अंग होते हैं आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, निचले श्वसन तंत्र में, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और फुफ्फुस, ओके। और जब बात करते हैं श्वसन मांसपेशियों की, तो ये 2 होती हैं, एक तो होती है इंटरकोस्टल मसल्स और एक होता है आपका डायफ्राम, ठीक है। तो ये आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर, इनका कार्य क्या है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी आपको मैंने बताया कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी मसल्स। तो देखिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? नोज़, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, इसको हम बोलते हैं नाक, मुख, ग्रसनी और कंठ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका एयर है वो नॉस्ट्रिल्स, नासा छिद्र, ठीक है ना, जो हमारी नोज़ होती है उसमें सामने 2 छेद होते हैं नॉस्ट्रिल, उनको हम बोलते हैं, तो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स लीड इनटू नेजल कैविटी, मतलब जो ये नॉस्ट्रिल्स हैं ये नेजल कैविटी में यानी कि नासा गुहा में एंटर करती है, सबसे पहले एयर यहाँ पे एंटर करती है। इसमें क्या होता है, नेसल कैविटी में क्या होता है कि इसमें
हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, म्यूकस, श्लेष्मा और ब्लड कैपिलरीज यानी कि रक्त केशिकाएं। तो इसमें क्या क्या होता है बेटा, बाल, श्लेष्मा और रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं। ओके, ये आपका नेसल कैविटी में कि नासा गुहा में यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं? तो इनका मुख्य काम हो गया कि जो एयर, जो हवा अंदर जा रही है, जो वायु अंदर जा रही है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ जर्म्स हो सकते हैं या फिर और कोई इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, तो उनको फिल्टर करना, ठीक है ना, उनको छानना इनका मुख्य काम होता है। तो ये जो हेयर है, म्यूकस है, इनका रोल, इनका फंक्शन क्या है, इट फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर एंड रिमूव डस्ट पार्टिकल्स। मतलब वायु में जो धूल के कण होते हैं या फिर कुछ रोगाणु होते हैं या फिर और कोई पॉलन होते हैं, पराग कण होते हैं, ठीक है ना, इन सबको ये छान देती है। तो एक तरह से ये एयर को पूरी तरह से फिल्टर कर देती है, ठीक है। और ये फिल्टर एयर फिर आपका यहाँ पे फेरिंग्स में यानी कि ग्रसनी में एंटर करती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है माउथ, ठीक है। माउथ है एक सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक्चुअली रेस्पिरेशन के लिए माउथ नहीं बना है। इन केस यदि आपका नॉस्टल किसी भी वजह से बंद हो, जैसे सर्दी जुकाम होती है, कोल्ड जब होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमें नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उस सिचुएशन में हम कभी मुंह से भी सांस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो एयर होता है वो माउथ से भी एंटर कर सकती है, और आप देख रहे हैं कि ये भी अल्टीमेटली आपका फेरिंग्स में जाके एयर पहुंचती है ना। यहाँ से जो नोज के थ्रू आई थी वो भी यहाँ पे आती है, और माउथ से जो आप ले रहे हैं वो भी यहाँ पे आती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि माउथ में ये आपका हेयर्स या म्यूकस इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होती हैं, तो क्या होता है कि ये जो एयर है ये इम्प्योर रहती है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। सो जो माउथ के थ्रू जो आप इनहेल करते हैं एयर को, जब आप अंदर लेते हैं, तो वो उतनी प्योर नहीं होती जितनी कि नोज़ के थ्रू जाती है। ओके, इसके बाद आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहाँ से फूड और एयर दोनों ही एंटर करते हैं। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में भी इसके बारे में बताया था कि ये जो फेरिंग्स होती है, ये आप देखें यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के थ्री पार्ट होते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया था, नासोफेरिंग्स जिसको हम नासा ग्रसनी कहते हैं, एक होता है ऑरोफेरिंग्स जिसको हम मुख ग्रसनी कहते हैं, एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स जिसको हम कंठ ग्रसनी कहते हैं। यानी कि ये जो फेरिंग्स है, ग्रसनी जो है, ये तीन भागों में बटी होती है। देखिए, जो नेजल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है कनेक्टेड पार्ट, इसको तो हम कहते हैं नासोफेरिंग्स। जो बकल कैविटी यानी मुंह के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और नीचे की तरफ ये कंठ के साथ यानी कि लैरिंग्स के साथ कनेक्ट होती है, इस पार्ट को हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है बेटा। इसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो फोर्थ ऑर्गन है, चौथा जो अंग है, वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये, ठीक है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं लैरिंग्स। और ये जो लैरिंग्स होता है इसमें 9 कार्टिलेज होती हैं जो कि आपका वॉइस बॉक्स बनाती हैं, इस तरह से इसमें ये 9 कार्टिलेज होती हैं, है ना। 9 कार्टिलेज जो होती हैं वो आपका वॉइस बॉक्स बनाती हैं। और जब भी हम एक्सहेल करते हैं, मतलब एयर को जब हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट होता है, ये कंपन करने लगता है, स्वर रज्जू, वोकल कॉर्ड को हम बोलते हैं स्वर रज्जू। स्वर रज्जू, ठीक है ना। तो जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, मीन्स जब हम एक्सपायर करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट करने लगता है यानी कि कंपन करता है ना। और इसके कंपन से ध्वनि यानी कि साउंड प्रोड्यूस होती है।
तो ये हो गया आपका लैरिंग्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक का तो ये जो सिस्टम है इसके ऊपर का, ये तो आपका आता है रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र। इसके नीचे का ये जो पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो देखिए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, हाँ भाई, तो देखिए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, ट्रेकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, लंग्स, ठीक है। ये पार्ट्स मिलकर के आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में जान लें। ट्रेकिया मीन्स श्वास नली, तो ये देखिए ये ट्रेकिया है ना, ये लगभग 5 इंच लॉन्ग एक ट्यूब है जो कि थिन वॉल्ड होती है। इसकी जो भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है, थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। और ये जो ट्रेकिया है, ये जो श्वास नली है, ये आपका पक्षमाभी स्तंभकार ऊतकों से मिलकर बनी है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसको हम बोलते हैं पक्षमाभी स्तंभकार उपकला ऊतक, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम यानी कि पक्षमाभि स्तंभकार उपकला ऊतक की बनी होती हैं, ठीक है। और ये जो आपका ट्रेकिया है इसमें सी के शेप की यानी कि सी के आकार की कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं, इस तरह से सी के आकार की रिंग होती हैं। ये जो सी के आकार की रिंग होती हैं इनका वर्क होता है कि जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस दौरान ये श्वास नली को पिचकने से रोकती है यानी कि कॉलेप्स होने से रोकती हैं। तो जो ट्रेकियल रिंग्स होती हैं जो कि कार्टिलेज की बनी हुई हैं, सी शेप की होती हैं, इनका मेन फंक्शन हो गया कि एक्सहेलिंग के दौरान ये आपके ट्रेकिया को कॉलेप्स होने से प्रिवेंट करेंगी, रोकेंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो ट्रेकिया है जैसे ही आपका थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है, थोरेसिक कैविटी आपकी बॉडी का वो पार्ट है जो रिब्स से कवर होता है, ठीक है ना, पसलियों से जो कवर होता है। तो जैसे ये ब्रोंकियाई आपका एंटर करता है थोरेसिक कैविटी में, ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। इनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियाई। और ईच ब्रोंकियाई एंटर्स इन द लंग्स, अपनी साइड के लंग्स में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। मतलब ब्रोंकियाई जो होती हैं ये अपनी तरफ के फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती हैं, ब्रोंकियाई को हम बोलते हैं श्वसनी, ओके। और जब ये लंग्स में एंटर करती हैं तो फर्दर और स्मॉल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो गई हैं। तो इसकी हर एक स्मॉल ब्रांच को, जो सबसे लास्ट में जो थिन ब्रांच रहेगी उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल यानी कि श्वसनिकाएँ, इनको क्या बोलते हैं हम, श्वसनिकाएँ। और ये जो श्वसनिकाएँ होती हैं बेटा, ये आपका लास्ट में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, गुब्बारे जैसी जो संरचना है, इनको हम बोलते हैं एल्वोलाई यानी कि वायुकूपिका, वायुकूपिका बोलते हैं इनको, एल्वोलाई। और ये जो एल्वोलाई जो होती हैं ये मतलब आपका लंग्स के अंदर O2 और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं यानी कि सतह क्षेत्रफल में वृद्धि करती हैं, ताकि वायु में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आसानी से हो जाए, यानी कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक प्लेस इन एल्वोलाई, ओके। ये आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें O2 और CO2 का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा एल्वोलाई में यानी कि वायुकूपिकाओं में, ठीक है। और एक लंग के अंदर यानी कि एक फुफ्फुस के अंदर लगभग 350 मिलियन 350 मिलियन
एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो एक लंग्स में 350 मिलियन, तो दोनों में हो गए अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन, ठीक है। तो ये एल्वोलाई होती हैं, ये जो एल्वोलाई हैं इनके चारों तरफ, जैसे मैं एक एल्वोलाई को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये तो हो गया आपका ब्रोंकियोल, ओके, और ये हो गया आपका एल्वोलाई, है ना, वायुकोपिका। इन एल्वोलाई में ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग होती है, ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से एक्चुअली क्या होगा कि बॉडी के वेरियस ऑर्गन से मतलब जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड, वो पहले हार्ट में आता है, हार्ट से फिर वो यहाँ एल्वोलाई में आता है। तो यहाँ पे वो ब्लड CO2 को रिलीज करेगा, ठीक है, O2 को इनटेक करेगा, और फिर ये जो CO2 है इसको एक्सहेल कर दिया जाएगा और O2 को ब्लड वापस से बॉडी में लेके जाएगा। तो कहने का मतलब है कि O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो आपका एल्वोलाई में होता है। अब हम जो लंग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो लंग्स होते हैं ये रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ह्यूमन बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो वन पेयर होता है, मतलब एक पेयर यानी कि दो लंग्स होते हैं जो कि थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। थोरेसिक कैविटी देखिए, आप यहाँ पे देखें तो ये आपकी बैकबोन है जो कि डिस्क में बनी हुई है। टोटल 33 डिस्क होती हैं बैकबोन में। इन बैकबोन से पीछे की तरफ रिब्स जुड़ी हुई हैं और ये रिब्स 12 पेयर हैं, 12 जोड़ी, है ना। तो ये जो रिब्स हैं इनके बीच में जो होल ओवर स्पेस है, खाली जगह जो है पसलियों के बीच में जो खाली जगह है, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो ये जो लंग्स होते हैं ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं बेटा, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं और कलर इनका होता है पिंक, है ना। ये मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। अब इनका जब आप कंपेरिजन करें दोनों लंग्स का, तो देखेंगे कि ये तो आपका राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। तो जो राइट वाला है ये 3 लॉब में डिवाइड है और लेफ्ट में सिर्फ 2 लॉब्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो राइट लंग्स है ये कंपेरेटिवली लार्ज साइज का होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू लेफ्ट। ये जो आपका बायां जो फुफ्फुस है ये छोटा होता है, दायां फुफ्फुस साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये हो गया आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, है ना, श्वसन मांसपेशियाँ। तो श्वसन मांसपेशियाँ जो होती हैं वो दो हैं, एक तो है इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी है डायफ्राम। तो इंटरकोस्टल मसल्स वो मांसपेशियाँ होती हैं जो इन पसलियों के साथ जुड़ी होती हैं, ये जो रिब्स हैं इनके साथ अटैच होती हैं, और ये इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। उससे क्या होगा कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प मिलती है, मतलब लंग्स के अंदर एयर को फिल करना और फिर लंग्स से उस एयर को बाहर निकालना। तो इस प्रोसेस में ये इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती है, मदद करती हैं। इसके बाद दूसरी जो रेस्पिरेटरी मसल है वो है डायफ्राम। तो आप देख रहे हैं कि दोनों लंग्स के नीचे ये एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर है, गुंबद के आकार का एक पर्दा है जो आपका थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो इसके ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे ये लंग्स हैं ये तो आपका पार्ट होता है थोरेसिक कैविटी, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ पे आपके स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन वो वाले पार्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा। तो ये जो डायफ्राम होता है इट इज़ ए डोम शेप्ड पार्टीशन बिटवीन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, मतलब ये एक गुंबद के आकार का एक विभाजन है, एक पेशीय पर्दा है जो वक्षीय गुहा को उदर गुहा से अलग करता है, ठीक है। अब ये जो डोम शेप पार्टीशन है, ये जो डायफ्राम है, ये यदि कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में होता है, संकुचित जब होता है, तो लंग्स के अंदर एयर भर जाती है यानी कि हवा
फुफ्फुस के अंदर भरती है, और जब ये डायफ्राम रिलैक्स पोजिशन में होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में लंग्स से हवा बाहर निकलती है, ठीक है। तो आप ये खुद महसूस भी कर सकते हैं कि जब आप इनहेल करते हैं, मतलब सांस को जब आप अंदर भरते हैं, तो आपकी जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं, और जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आता है, संकुचित होता है। और जब आप एक्सहेल करते हैं, जब सांस को बाहर निकालते हैं, तो आपकी रिब्स जो हैं वो नीचे की तरफ दबती हैं, और जो आपका ये डायफ्राम है ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इनटेकिंग और एक्सिस्ट ऑफ एयर, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ तक तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हम बात करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म, ठीक है ना, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन।